अगर आपके पास भी है आईबॉल तरंग 2.1 सबवूफर और आप उसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत इजी होता है, आप जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल खुद भी अपने सबवूफर के अंदर खुद लगा सकते हैं। इसको करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ इस तरीके के जितने भी पुराने सबवूफर हैं ये जो है आउटडेटेड हो चुके हैं। इनमें इस तरीके का 3.5 mm वाला जो है केबल मिलती है जो कि बैक साइड में लगानी होती है, और आजकल मोबाइल जैक्स में भी जो है ऑडियो जैक आना बंद हो चुका है, मोस्टली सब कुछ ब्लूटूथ से ही पेयर होकर चलता है। तो इसीलिए इन सबवूफर्स को जो है अगर हम जो है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के अंदर एक मॉड्यूल इसके अंदर फिट कर दें तो ब्लूटूथ से ही अपने मोबाइल को पेयर करके गाने को जो है सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है सारी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबवूफर के अंदर लगाने के लिए कुछ इस तरीके का बीटी मॉड्यूल हमारे पास होना चाहिए। आपको जल्दी से समझा देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा इसका डिजाइन रहता है और यहाँ पे जो स्पाइरल वाला जो डिजाइन बना है बेसिकली एंटीना है। तो जब भी हमारे मोबाइल से जो भी सिग्नल्स आते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, जो भी हमारा सॉन्ग आएगा वो ये एंटीना कैच करके जो है इस ऑडियो प्रोसेसर के पास यहाँ पे भेज देगा। साथ में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है और यहाँ पे आपको 5 पिंस मिल जाएंगी। अगर बैक साइड से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे इनका भी क्या काम है। तो जो भी हमारा जो है ब्लूटूथ जो है एंटीना जो है यहाँ पे कैच करके ऑडियो प्रोसेसिंग करके हमें जो आउटपुट जनरेट करेगा वो यहाँ पे जो होगी एक एल आउट होगी, एक ग्राउंड होगी और एक आर आउट होगी। ये तीनों जो है मेरे बेसिकली जो है मेरे सबवूफर के एम्पलीफायर के लिए कनेक्शन बन जाएंगे। तो यहाँ की आउटपुट मेरे सबवूफर की इनपुट बन जाएगी और इस मॉड्यूल को चलाने के लिए जो है 5 वोल्ट की इनपुट लगेगी VCC और ग्राउंड कनेक्शन यहाँ पे देना होगा। अब 5 वोल्ट जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है एक इस तरीके का जो रेगुलेटर है आपको दिखा दूँ उसे हम जो है यूज़ करेंगे। तो ये 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर है जिसकी इनपुट जो है लेफ्ट साइड से आएगी, जो कि 7 से 35 वोल्ट तक जो है यहाँ पे इनपुट आप कनेक्ट कर सकते हैं। बीच वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा और राइट मोस्ट जो है आउटपुट वोल्टेज मेरे को जो है अकॉर्डिंगली कन्वर्ट होके 5 वोल्ट 1 एम की आउटपुट मिल जाएगी। अब बूफर में लगाने से पहले मैंने जो है वोल्टेज रेगुलेटर और ब्लूटूथ मॉड्यूल को आपस में शोल्डर कर दिया, तो आपको दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे कि किस तरीके से कनेक्शन किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड से इनपुट आएगी जो कि मैं जो है इस ऑरेंज वायर को अंदर शोल्डर कर दूंगा, जहां पे भी मेरे को जो है एक सफिशियंट जो है 7 से 35 वोल्ट के बीच में इनपुट मिल जाए। बीच वाला जैसे कि ग्राउंड था तो मैंने ग्राउंड से डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है और इसकी आउटपुट जो थी राइट मोस्ट वाली वो मैंने VCC से कनेक्ट कर दी है, और एल आउट ग्राउंड और आर आउट के लिए जो है इस तरीके का जो है 3 इनपुट्स मेरे को अंदर शोल्डर करने होंगे एम्पलीफायर के साथ। और जो इसका जो ग्राउंड है इस मॉड्यूल को चलाने का वो मैं हीट सिंक में जहाँ पे इसे जो है नट बोल्ट से लगाऊंगा वहाँ से मेरे को ग्राउंड मिल जाएगा सेंटर वाला पॉइंट। तो इसलिए मैंने जो है ग्राउंड वाली वायर यहाँ से अलग से नहीं निकाली है, हीट सिंक के थ्रू ही ग्राउंड में यहाँ पे कनेक्ट करके ले लूंगा। अब जल्दी से जो है बूफर को ओपन करके जो है फास्ट फॉरवर्ड में जो है उसके अंदर दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कहाँ पे करने हैं। अब इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड में जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले जाती है यहाँ से AC 220 वोल्ट जो है इस सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में, जो रेड वाली दो विंडो केबल्स हैं और ब्लू वाली जो है इन दोनों से जो है सेंटर टाइप से दो सप्लाई AC की मिलती है और ब्लैक वाली उसका कॉमन ग्राउंड है जो कि वहाँ पे प्लग में जाता है। तो अगर यहाँ पे जो है अगर मैं रेक्टिफायर सर्किट को जो है इसके PCB में बैक साइड से जो है मार्किंग जो की है आपको दिखाऊं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके केस में भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला नोड जो है इस फिल्टर कैपेसिटर में यहाँ पे मिल जाएगा और नेगेटिव वाला इस वाली प्लेट में होगा। और एक बार अगर मैं जो है इसे ट्रेस बैक करूं इस नेगेटिव वाले ग्राउंड को तो वो उसका जो है मल्टीमीटर में ये वाला पॉइंट जो है ये वाली फैट जो जितनी भी चौड़ी ऐसी फैट लाइंस होती है ज़्यादातर ग्राउंड लाइंस होती है यहाँ पे जो है मेरे को नेगेटिव वाला मिल जाएगा। तो मैं पॉजिटिव वाला जो है IC रेगुलेटर के लिए शोल्डर करूंगा यहाँ पे कनेक्शन ऑरेंज वाली वायर के जैसे मैंने आपको दिखाया था, और नेगेटिव वाला जो है यहाँ पे नट बोल्ट लगा के रेगुलेटर की हीट सिंक यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। और जो एम्पलीफायर की इनपुट है वो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो इनपुट जो यहाँ पे मिलती है इन दोनों वाले RCA जैक से, तो यहाँ से जो है मैंने ट्रेस बैक करके कंटिन्यूटी से ऑलरेडी पता लगा लिया है। तो ये वाला है कॉमन ग्राउंड वाला, इस तरफ मेरा जो शोल्डर होगा वो होगा राइट चैनल का और इस तरफ होगा लेफ्ट चैनल का। आपके केस में भी अगर आप एग्जैक्ट सेम इस मॉडल में करेंगे तो इसी तरीके से आपके कनेक्शन रहने वाले हैं। अब जल्दी से जो है यहाँ पे जो है मैं अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो है जो मेरे आर आउट एल आउट और ग्राउंड था यहाँ पे शोल्डर कर दूंगा और हीट सिंक वाले को यहाँ पे जो है जल्दी से आपको कस के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शोल्डर करने के बाद अगर आपको दिखा दूं तो आप समझ जाएंगे। तो ऑरेंज वाली ये जो पॉजिटिव वाली वायर है जो मैं इनपुट उठाने वाला था वो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाले एक फिल्टर कैपेसिटर के यहाँ पे शोल्डर कर दी है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था ब्लैक कलर वाली जो है मेरी ग्राउंड को मैं रिप्रेजेंट करते हुए मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल में शोल्डर की थी, रेड वाली जो है राइट चैनल के लिए मैंने यहाँ पे शोल्डर की है और ब्राउन वाली लेफ्ट चैनल के लिए। तो इस तरीके से शोल्डर हो गया है। अब जल्दी से आपको मल्टीमीटर से एक बार जो है यहाँ पे वोल्टेज का मेजरमेंट भी दिखा देता हूँ। तो मेन सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है कनेक्ट होके जो है ऑन भी हो चुका है। अब जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, जब इनपुट वोल्टेज यहाँ पे थी DC की तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 20 वोल्ट यहाँ पे थी, मगर जब मैंने जो है इसको जो है फिल्टर के थ्रू लगा दिया है
तो मैं अगर इस ग्राउंड को लूँ और आउटपुट वाली लूँ यहाँ पे मेजरमेंट, तो 4.95 वोल्ट जो है यहाँ पे आउटपुट जो है एकदम परफेक्टली ब्लूटूथ मॉड्यूल को इनपुट मिल रही है। अब जल्दी से ये जो है इस वाले कवर को मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ब्लूटूथ चिप जो है इंस्टॉल करने के बाद आपको जल्दी से जो है मोबाइल से पेयर करके ब्लूटूथ से जो है सॉन्ग इसमें प्ले करके सुना के दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के जो है ब्लूटूथ मोड में यहाँ पे चला जाऊँगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन में चला जाता हूँ, मोर सेटिंग में चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सर्च होके जो है ये बी टी मॉड्यूल अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, तो इसे यहाँ पे जो है पेयर की परमिशन दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ये जो है पेयर हो गया। अब उसके बाद अपने म्यूज़िक में जाता हूँ और YouTube म्यूज़िक का जो है कॉपीराइट फ्री सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सॉन्ग को नेक्स्ट करूँ यहीं से, तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाती है लाइफ। होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर करने का ट्राई करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।